हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समित एंड वेलकम टू एडिटेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस हफ्ते के 5 बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके स्मार्टफोन के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इन सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है स्वाइप फॉर फेसबुक। ओरिजिनल फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन ज्यादातर फोन्स में लैग होता है, लेकिन स्वाइप एप्लीकेशन उसका ही एक लाइट वर्जन है। एप्लीकेशन का इंटरफेस काफी स्मूथ एंड कस्टमाइजेबल है, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। इस ऐप में आप जो है मैसेंजर और फेसबुक दोनों को यूज कर सकते हैं। स्वाइप ऐप में आपको जो है फेसबुक के पिक्चर और वीडियोस को डाउनलोड करने के ऑप्शन के साथ PIP यानी पिक्चर इन पिक्चर का फीचर्स भी मिल जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है कैनवा एप्लीकेशन, जो कि एक फ्री फोटो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, जिसमें आप फोटो एडिटिंग करने के बाद उसे सिंपल तरीके से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। कैनवा एप्लीकेशन में आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के पोस्ट और कवर फोटोज को आसानी से बना सकते हैं, और यूट्यूब के थंबनेल और चैनल आर्ट को भी जो है इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री रेडीमेड जो है टेम्पलेट्स मिलते हैं और फोटो ग्रिड्स मिलते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज कर सकते हैं। तीसरे एप्लीकेशन का नाम है फ्लोट ब्राउजर, जिसमें आपको पिक्चर इन पिक्चर वाला ब्राउजर मिलता है। एप्लीकेशन में आप जो है ब्राउजिंग करने के साथ यूट्यूब के वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। आप अगर अदर काम करते हुए वीडियोस को देखना चाहते हैं या सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं, तो ये फ्लोट ब्राउजर एप्लीकेशन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये एप्लीकेशन सिर्फ जो है 1.5 MB का है, जिससे आपके स्मार्टफोन का स्टोरेज भी ज्यादा नहीं जाएगा। चौथे एप्लीकेशन का नाम है फीडस्टर एप्लीकेशन, जिसमें आप जो है सिंगल लिस्ट में सोशल मीडिया और यूट्यूब के सभी अकाउंट्स को जो है एक साथ यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन का UI और डिजाइन जो है फुल्ली स्मूथ एंड क्लीन है। इस ऐप में आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, VK, रेडिट और फेडली जैसे अकाउंट्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लिक में। इसमें आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के पोस्ट को जो है रीड करने के साथ उसमें कमेंट और लाइक भी कर सकते हैं, और यूट्यूब के वीडियो को देखने के साथ लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी चीजों को एक साथ जो है इस फीडस्टर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। पांचवे और आखिरी एप्लीकेशन का नाम है ऑटो स्क्रॉल ऐप। अगर आप बुक्स रीडिंग करना पसंद करते हैं या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के पोस्ट देखते रहते हैं, तो आपको जो है बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन करना पड़ता है। इस एप्लीकेशन में स्क्रीन जो है अपने आप स्क्रॉल होता रहता है, जिसमें आपको जो है स्क्रीन को बार बार टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल टच करने के बाद जो है आपने सेलेक्ट किए हुए पोस्ट पे जो है ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता रहता है, जब तक आप जो है फिर से उस पे क्लिक ना करें। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सभी 5 एप्लीकेशन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल एडिटेक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।